मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उस नाते मुझे उनकी चिंता भी है। उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं कुछ लोग सरकारी गलियारों में, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे उनके नाम से अनाप शनाप पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की सहमति नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी को इसकी सघन जांच करवानी चाहिए, इन लोगों की भी, और उनके मोबाइल सीडीआर सब चीजों की जांच करवा के इस चीज को जाहिर करना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये चाहे मीडिया के गलियारों में या सत्ता से इर्द गिर्द जितने जुड़े हुए लोग हैं उन गलियारों में ये नाम गूंज रहे हैं। बस इतना है, कोई कह नहीं पा रहा था तो वो कार्य मैंने किया है। भैया कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से आपको ये शक हो रहा है कि इन लोगों के द्वारा ये ट्रांसफर को लेकर के काम की जाए? मैंने वो जो पत्र लिखा है मुझे लगता है वो आपके पास उपलब्ध है और उसमें वो सारे नाम आ चुके हैं जो मैंने लिखे हैं, वही नाम फिर से हैं जो उस पत्र में लिखे हैं, आप उसको अवलोकन करेंगे तो उसमें वो सारे नाम मैंने दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं अवगत कराया है। अगर और कोई वो विस्तृत जानकारी चाहते हैं, इस संबंध में कोई साक्ष्य चाहते हैं, तो अगर वो मेरे से बात करेंगे तो मैं उसमें भी उनकी सहायता करूंगा। इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं, और एक बार जो इनमें मनोज सिंह यादव है उन्होंने जवाबी पत्र भी जारी किया था आपको, इसको लेकर भी कुछ कहेंगे? हम मुझे मीडिया के माध्यम से ऐसा ज्ञात हुआ। मैं तो देखिए जितने लोग हैं, वास्तविकता यह है कि इनमें से मैं किसी को भी शक्ल से नहीं जानता हूं, ना मेरी कभी किसी से मुलाकात या परिचय है। कहीं से जानकारी आई और मैंने उसको शेयर करना उचित समझा कि वो उस पर विस्तृत रूप से चिंतन कर लें मुख्यमंत्री जी। लेकिन उनमें से अचानक से एक व्यक्ति, कोई मनोज पाल सिंह यादव नाम का, मेरे को लीगल नोटिस दिया है शायद कल अभी, जो कि मेरे को प्राप्त तो नहीं हुआ है लेकिन मीडिया के माध्यम से मेरे पास आया है। यदि ऐसा कोई नोटिस मुझे प्राप्त होता पहले तो मैं उसको फाड़ के टोकरी में फेंक दूंगा, क्योंकि लीगल नोटिस देने का उनको शायद कायदा ज्ञान पता ही नहीं है। पहली चीज तो मैंने उसमें किसी को चिन्हित किया ही नहीं है। मनोज पाल सिंह यादव नाम का इंडिया में या विश्व में एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं। तो या तो ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये वही व्यक्ति हैं, तो पहले ये स्वीकार करते हुए फिर मेरे से बात करें। यदि ये वही व्यक्ति हैं, चूंकि मैं इनकी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, इनको थोड़ी ज्यादा पीड़ा हुई है तो इनकी पीड़ा ठंडी करने के लिए मैं इतना बोल देता हूं कि यदि आप वो व्यक्ति हो तो आपके गोल्डन सिटी से क्या संबंध है? गोल्डन सिटी में जो वरिष्ठतम कोई महिला आईएएस अधिकारी रहती हैं, आप वहां पे क्यों बार बार आपका जाना आना वहां पे रहता है? क्या चीजें चल रही हैं? क्या उनके नाम पे वसूली कलेक्शन चल रही है? मैं तो उनको, मैडम को भी मीडिया के माध्यम से बोल देता हूं, कहीं ना कहीं ये आपका नाम खराब कर रहे हैं, मार्केट में आपके नाम से वसूली कर रहे हैं। कोई मनोज पाल नाम का व्यक्ति है, मैं फिर से इस चीज को स्पष्ट कर देता हूं, वो ये है कि नहीं है जांच का विषय है, लेकिन कोई मनोज पाल नाम का व्यक्ति दलाली मैडम के नाम से कर रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए। वो गोल्डन सिटी में किस हैसियत से आ जा रहा है, कहां से इतना पैसा आ रहा है दो नंबर का कि वो भोपाल से लेके ग्वालियर चंबल संभाग से लेके सब जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये पैसा कलेक्शन कहां से आ रहा है, इस सब चीज की जांच होनी चाहिए। और यदि मैडम को, मुख्यमंत्री जी को या किसी को भी इस जांच में मेरी हेल्प की आवश्यकता लगती है तो मैं और विस्तृत जानकारी दे दूंगा। क्योंकि मैं बता दूं, मैं कोई बात करता हूं तो तथ्यात्मक करता हूं, जब तक मुझे उसका अध्ययन नहीं कर लूं तब तक मैं किसी बात को नहीं कहता हूं। तो यदि और चाहेंगे तो मैं उसके और तथ्य भी उजागर कर दूंगा आने वाले समय में, या हो सकता है सदन में भी अभी जब कार्यवाही चलेगी तो वहां पर भी इस पर विस्तृत चर्चा कर ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी जो अनेकों प्रकार के घोटाले हुए उसमें किस किस के हाथ थे, इसको भी मैं उजागर कर दूंगा, सार्वजनिक रूप से कर दूंगा। और यदि इसमें कोई मेरे से चर्चा करना चाहता है तो सामने से कर ले। और ये फालतू के जो नोटिस वोटिस है, मैं इन पर ध्यान देता नहीं हूं, और कानूनी नोटिस भेजने के पहले थोड़ा सा कानून का ज्ञान लेना ठीक है, क्योंकि सिर्फ दलाली कर करके कानूनी नोटिस भेज देने से कुछ नहीं होता। और अभी जब मैं पोल पट्टी खोलूंगा तब एक ये मान लेना क्रमबद्ध तरीके से खोलूंगा और एक एक तथ्यात्मक जानकारी दूंगा कि किसने कहां क्या, माध्यमिक शिक्षा मंडल में क्या किया, कहां किस जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट में व्हाइट में कितना था, ब्लैक में कितना था, वो पैसा कहां से आया, कि किसी गोल्डन सिटी से आया किसी और जगह से, मैं सारी चीजें खोल दूंगा। अगर किसी को ज्यादा जानकारी लेनी है तो मेरे से स्वयं बात कर ले, मैं उनको मुंह पे उजागर कर दूंगा। पूरी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी की प्रतिपक्ष के रूप में पूरी तैयारी है, सरकार को आईना दिखाने की भी, सरकार को घेरने की भी, और प्रदेश हित में जो कार्य होने हैं उन सबके लिए हम लोग तैयार हैं। उस पर बहस भी होगी, चिंतन भी होगा और सुझाव भी दिए जाएंगे। और रही बात जिस प्रकार से आपने देखा, जैसे ये भी नर्सिंग घोटाला वर्तमान में चल रहा है, मैं आपको सिर्फ इतनी जानकारी बताना चाहता हूं कि सरकार किस कदर घबराई हुई है इस घोटाले से। पहले तो तत्कालीन जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे वो बार बार दिल्ली चक्कर लगाते हैं, सफाई दे रहे हैं, लेकिन मीडिया जब प्रश्न पूछ रही है तो मीडिया से
बच रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, एक चीज। दूसरी बात यह है कि 3 तारीख को मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि 3 तारीख को सरकार बजट पेश करना चाह रही है। अब ये जो 3 तारीख है, कितनी सोच समझ के सरकार लेकर आई है आप खुद देखिएगा। 3 तारीख को जितने भी प्रश्न लगे हैं, तारांकित हो अतारांकित हो, वो सब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को लेकर के हैं। तो उन विषयों से बचने के लिए और उनको बजट की आड़ में दबाने के लिए, अपने कुकर्मों को दबाने के लिए सरकार बजट को 3 तारीख को पेश कर रही है। ये सरकार की घबराहट और सरकार की छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति गंभीरता को बताता है कि उनकी पहले तो भविष्य की हत्या करो, और जब उसकी चर्चा सदन में होने को आए तो उस दिन जो है किसी न किसी बहाने से उसको दबा दिया जाए। तो मैं समझता हूं सरकार से इसकी मंशा बिल्कुल साफ हो गई है, यही उम्मीद भी थी। ऐसी सरकार से जो इस तरीके के कर्म करेगी, पहले व्यापम, इसके बाद नर्सिंग, व्यापम पार्ट टू भी जिसको कह रहे हैं। तो लेकिन मेरे को नहीं लगता 3 तारीख को बजट भी लेके आएंगे तो इस चर्चा से बच जाएंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी इसको विपक्ष के रूप में उठाएंगे, चाहे हमें इसके लिए स्थगन लाना पड़े, चाहे हमें इसके लिए अलग से एक दिन का सेशन बुलाना पड़े, या जो भी विधानसभा के अंतर्गत प्रावधान है अलग से चर्चा करने के किसी भी गंभीर विषय पे, तो हम उसमें चर्चा करेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे। तो जो कर्ज लिया जा रहा है वो स्पष्ट है कि जनहित के कार्यों के लिए नहीं लिया जा रहा है, वो सिर्फ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके हित, उनकी सुख सुविधाओं के लिए कर्ज लिया जा रहा है, स्पष्ट है। क्योंकि सबसे पहले जो कार्य होते हैं सरकार बनने के बाद, वो होते हैं इनके बंगलों के मरम्मत के कार्य लाखों करोड़ों के, फिर होते हैं इनकी नई नई लग्जरी गाड़ियों के कार्य। तो स्पष्ट है कि जनहित के कार्य तो शायद इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। तो आने वाले समय में समझता हूं कि इससे सरकार ने अपनी शुरुआत दिखा दी। पहला इम्प्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो सरकार का फर्स्ट इम्प्रेशन साफ है कि वो जनहित के कार्य नहीं करेगी, सिर्फ अपने जो चुनिंदा मंत्री, जो बड़े लोग हैं भाजपा के या संघ से जुड़े हुए, उन लोगों के हित के कार्य करेगी। आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। लेकिन शर्मनाक बात है कि आप कर्जा लेके मध्य प्रदेश के लोगों को कर्जे से लाद रहे हो और उस कर्जे का उपयोग किधर कर रहे हो वो जग जाहिर है।